अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुड़वैद बवासीर भगंदर, पहले दिन से ही आराम, सबसे सस्ता सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार, आज ही संपर्क करें। परार संगठना के वसीम देशमुख और एजाज खलीफा ने किया यमायम में प्रवेश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज AIMIM सोलापुर शहर के जिला व शहर अध्यक्ष फारूक भाई शाब्दी की उपस्थिति में सोलापुर दारुसलाम यमायम के ऑफिस में वसीम देशमुख और एजाज खलीफा ने यमायम में किया प्रवेश। जिस वक्त यमायम के शहर व जिला अध्यक्ष फारूक भाई शाब्दी ने वसीम देशमुख और एजाज खलीफा को कहा जय वीरू की जोड़ी और वसीम देशमुख को कहा लड़ाकू और जज्बाती, देखिए सोलापुर नामा 24 की एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर सोलापुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के हेडक्वार्टर ऑफिस जिसको बोलते हैं दारुसलाम, आज यहाँ पर माशाल्लाह निहायत ही बहुत ही खुशी का दिन है। मैं बोलूँगा कि बहुत मुबारक मौका है जहाँ पर वसीम देशमुख नाम के एक जज्बाती और लड़ाकू, मैं बोलूँगा माशाल्लाह जिद्दी भी साथ में बोले तो कम नहीं है, एक वैसा शख्स आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी को मिला है। इनके साथ साथ इनके सहकारी एजाज खलीफा माशाल्लाह, जिन्होंने, मैं जब से देख रहा हूँ ये दोनों की जोड़ी जय गुरु जैसी दिखती है, साथ साथ में रहते हैं दोनों, कभी अलग नहीं दिखे, तो ये दोनों ही माशाल्लाह इनका ऑल इंडिया मंडी से इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी में इनका ये लोग आए हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। और इनके आज के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हुए तमाम लोग हमारे कॉरपोरेटर वायदाबा मंडा के हैं और हमारे सोलापुर शहर के सबसे पुराने और सबसे पहले अध्यक्ष शकील साहब हैं, मोहसिन डीके हैं, सलीम बामा है, हमारे सीनियर लीडर नसीब भाई खलीफा है, हमारी पार्टी की बुलंद आवाज़ माशाल्लाह एजाज बागवान है, सत्तार भाई पहलवान है और हमारे टीचर्स विंग के अध्यक्ष हैं मुश्ताक सर कामकुर्ती, हारिफ भाई हमारे उभरते हुए सितारे इंशाल्लाह 2022 के, और तमाम मेरे युवक टीम है और साथ में आए हुए तमाम नौजवान बुजुर्ग और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, मैं भी वसीम देशमुख को क्या है क्या नहीं है, मैं इनको क्यों शरीक किया हूँ पार्टी में, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। काफ़ी अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी पार्टी में शरीक होने के हिसाब से नहीं, ये जो एक बीड़ा उठाए हुए हैं, ये जो एक जिम्मेदारी के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा होती थी अक्सर हमेशा। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि सोलापुर के करीब यहाँ पर घरकुल करके जो वसाहत है वहाँ पर गरीब लोगों के लिए फ्री में घर बोल के आज तक राजनीति की गई है, उसी में दो तीन प्रोजेक्ट चालू है, गृह नगर है, गोदूताई है और जो भी है, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक लोगों के लिए घर का हुआ है। तो ये काफ़ी सालों तक उस घरकुल स्कीम के हिस्सा रहे हुए लोग हैं, तो इनको इनसाइड आउटसाइड पूरी स्टोरी मालूम है। तो आज इनके कुछ समझ में आया होगा कि वहाँ के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, वहाँ पे घोटाला हो रहा है। इन लोगों ने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की है लेकिन इनकी लड़ाई बहुत दिग्गज ताकतों से, जिसमें ये कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। इन लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से कानूनी तौर पर वो लड़ाई को जारी रखे और उसी लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए, उसी लड़ाई की आवाज़ को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाने के लिए, जैसे वसीम भाई ने बताया कि विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, उस लड़ाई को हम लोग और आगे प्रोजेक्ट करने के लिए आज ये लोग हमारे साथ में जुड़े हैं।